आफ्टरनून गाइस, आज हम जा रहे हैं पैकेज टू का जो पार्ट है जो कंजावला से नांगलोई तक जाता है, तो उसका अपडेट दिखाते हैं आपको कितनी प्रोग्रेस हुई है। और पिछली बार मैंने आपको UER 2 का पैकेज 1 दिखाया था, काफ़ी बढ़िया आपका सपोर्ट रहा, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन आए, तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कितनी प्रोग्रेस है, क्या है। और ये अभी हम यहाँ पर आगे रिखाला की तरफ से जा रहे हैं, और उसके बाद आपको धीरे धीरे लाइव अपडेट देता हूँ क्या क्या आप प्रोग्रेस हुई है, कब तक पैकेज 2 तैयार हो जाएगा, सारी डिटेल्स आपको। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक हमारे चैनल में, और हम अब आपके लिए लेकर के आए हैं UER 2 पैकेज 2 का अपडेट। तो आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पहुँचे, कंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ हुई है और क्या है। ये बोल रहे हैं कि इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, तो ये दिखाते हैं आपको आज अपडेट कैसा है और कहाँ तक पहुँचे इस अपडेट में, तो ये पूरा बताएंगे आपको। हम आ गए हैं हेलीपोर्ट के सामने वाली रोड पर, और हेलीपोर्ट के सामने वाली रोड से बिल्कुल सीधा सीधा एक कट निकलेगा, जिसमें ये सीधा एक बेसमेंट से और एक एक अंडरपास से और एक हाईवे से, तो दोनों अगर आपको लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड हाईवे में चढ़ना है टुवर्ड्स अलीपुर, और लेफ्ट साइड द्वारका की तरफ जाना है, तो दोनों तरफ एक अंडरपास और एक अंडरपास दिया हुआ है। और राइट साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा हेलीपोर्ट वाला एरिया सेक्टर 24 सीधा रिठाला, बैकग्राउंड पीछे से रिठाला से होते हुए आता है, तो भी आपको आगे का भी आप देख लेते हैं। तो ये रोड जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे हम जस्ट पहुंचने वाले हैं, और अभी काफ़ी खाली खाली, मगर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर ये काफ़ी बिजी रोड होने वाली है, तो वो भी मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा। और मीनवाइज राइट साइड में पूरा हेलीपोर्ट का एरिया, यहीं से ही थोड़ी सी आगे से जाएंगे तो यहाँ पर हेलीपोर्ट का एंट्रेंस, और ये सेक्टर 37 का बस स्टैंड लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है, और सामने भी कंस्ट्रक्शन चलती हुई। तो ये देखिए ये हेलीपोर्ट का एरिया, ये यहाँ पर हेलीपोर्ट की एंट्रेंस है, और यहाँ से सामने से डायवर्जन दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पर डायवर्जन है आगे, और आगे से वन वे है अभी दोनों तरफ का रास्ता है। ये देखिए सामने आपको ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का, ये जो अंडरपास और अपर पास जो बन रहा है, ये अपर पास है और ये है वहाँ से आने वालों के लिए और दूसरा जाने वालों के लिए। और ये यहाँ से हमने साइड लेन ले ली है, इसका एक स्ट्रक्चर पिलर्स तैयार हो गए हैं, और इसके ऊपर फ्लोरिंग का हार्ड टॉप का काम स्टार्ट हो जाएगा, मगर अभी पूरा नहीं बना हुआ है। और यहाँ पर ये JCB कार्यक्रम अपना करती हुई, ये देखिए वोल्वो की JCB लगी हुई है जो कि अपना फ्लोरिंग कर रही है मेरे शायद, हाँ मेरे ख्याल से फ्लोरिंग का काम चल रहा है। और पीछे से दूसरा वाला आप देख रहे होंगे अपर पास, और ये यहाँ से अभी हम कंजावला की तरफ चल गए हैं। तो यहाँ पर अभी ये पैकेज 1 ही चल रहा है, और उसके बाद कंजावला के बाद पैकेज 2 स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे ही वो स्टार्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पैकेज 2 है स्टार्ट होता हुआ। तो ये अभी राइट साइड में अगर आप देखेंगे कराला, पूरा कराला एरिया, पूरा गांव का एरिया, तो बीच में रोड ऑलमोस्ट बनी हुई है, यहाँ से एलिवेटेड साइड बन जाएगा और एलिवेटेड काम चलता हुआ, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रही है। नेशनल हाईवे के अंदर है ये पैकेज 1, 2, 3, 4, 5, पैकेज 3 इसके बाद आता कंजावला के बाद जो नेक्स्ट पैकेज है, और पैकेज 3 एंड 4 अपना जो सोनीपत पर और बहादुरगढ़ पर जो है किया जाते हैं। इतने कि यहाँ पर अभी भी काम चलता हुआ, पिलर्स वगैरह अभी डलने बाकी हैं, मगर कुछ यहाँ पर JCB का काम चल रहा है, तो ये अभी पिलर्स वगैरह डालेंगे और उसके बाद इस पिलर को कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से पूरा आपका पैकेज 2 थोड़ी आगे से ही स्टार्ट होने वाला है। और ये जो रोड है एक इम्पॉर्टेंट रोड है, उस इम्पॉर्टेंट रोड को कनेक्ट करते हुए ये आगे चला जाएगा सीधा, और उसके बाद आपका पूरा पैकेज 2 जो है
वो ग्रीन फील्ड है, ये सारा ब्राउन फील्ड है। ब्राउन फील्ड मतलब यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड थी, और सीधा सीधा अगर आप देखो तो यहाँ से पैकेज टू स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से पैकेज टू स्टार्ट हो जाएगा। और ये एक इंटरनल सब रोड है जो चल रही है, काम चल रहा है यहाँ पर, ये पंजावला की तरफ रोड, और लेफ्ट साइड में अभी ये बस एक पिलर जल रहे हैं और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह भी है जो कि वर्क इन प्रोग्रेस है, और HP HGIEL काम कर रही है। तो यहाँ से आगे जा कर के ये बंद है, तो मुझको आगे जा कर के दिखाने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो अभी वो ट्रक वाला कह रहा है राइट साइड ले लो, बिकॉज उसको पास नहीं ले पाएगा वो, तो मैं राइट साइड ले रहा हूँ। तो यहाँ से पूरा ऑफ रोडिंग का एरिया है, थोड़ा सा आगे जाकर के मैं यहाँ पर ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आगे पूरा ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट है और दिखेगा नहीं आपको, पता नहीं कैमरा जस्टिस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो आपको दिख रहा होगा सामने JCB काम कर रही है, और ये सामने से रोड आ रही है, और ये बिल्कुल गाँव के बीचों बीच ये पूरा ग्रीन फील्ड एरिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे बिजली के पिलर्स वगैरह लगे हुए हैं जो कि इन्होंने साफ करने हैं, अभी मेरे ख्याल से कुछ टाइम लगेगा। साइड में जो ड्रेन वगैरह वो तो बन गया है, मगर काफ़ी काम चलता हुआ है यहाँ पर, तो अभी आपको आगे दिखाता हूँ, आगे ले जा करके। आपको यहाँ पर ये काम चल रहा है, और उसके बाद हम आपको यहाँ से ये कनेक्टिंग रोड है, एक जो कनेक्टिंग रोड नहीं, ये जो नया ब्रिज बन रहा है UER का, ये पहले सीधा सीधा यहाँ पर पुल की तरफ जाती थी मेट्रो की तरफ, मगर यहाँ से अब ये एक कनेक्टिंग तरीके से जो कि पूरा ग्रीन फील्ड, जैसे मैं बताया आपको, तो ग्रीन फील्ड से बनते हुए यहाँ पर से जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ आगे, पता नहीं कहाँ तक रोड है, थोड़ा रिस्की मामला है, मगर मैं आपको दिखाता हूँ पूरा जितना पॉसिबल होता है। ये एक तरीके से सर्विस लेन हो जाएगी, तो यहाँ पर भी जैसे काफ़ी ज़्यादा घर पॉपुलेशन वगैरह है, और हैट्स ऑफ टू नेशनल हाईवे, इस जगह में इन्होंने इतना बड़ा हाईवे जो कोई कोई सोच नहीं सकता था, UER नेशनल हाईवे जो बन रहे हैं, तो अभी आपको दिखाता हूँ आगे, और पता नहीं कहाँ तक जा सकते हैं, मगर थोड़ा कोशिश करेंगे कि जितना पॉसिबल है UER को आपको दिखाएंगे। मगर जिस हिसाब से लग रहा है साइड वॉल्स में पूरा तैयार है, और उसके बाद आगे अगर आप देखेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। और ये गांव का एरिया जहाँ पर ये ग्रीन फील्ड, और ये देखिए सामने इस साइड का पूरा एरिया तैयार, बन करके तैयार, इसमें सिर्फ एक फाइनल टचअप बचा है, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये देखिए पूरा हाईवे, पूरा चार लेन हाईवे, चार लेन एक साइड हाईवे बन करके तैयार हो चुका है। और पीछे की तरफ आपको दिखाता हूँ एक बार, बंद करके तैयार, और अभी ये पूरा गांव के एरिया में से बीच में से निकल रहे हैं, जो कि आउटर रोहिणी या आउटर दिल्ली वाला एरिया कहलाता है, और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। एक छोटा सा स्टेडियम, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा स्टेडियम है,
बट यहाँ पर स्टेडियम में कुछ लाइट्स वगैरह लग रही हैं जो कि कुछ रात के गेम्स वगैरह नाइट सपोर्ट वगैरह कुछ कर सकते हैं इसमें। ये बॉलर ने बॉल फेंक दी है और ये यहाँ पर आ चुकी है बॉल, और उसके बाद नेक्स्ट रन की तैयारी। बैट्समैन और रनर कुछ डिस्कशन करते हुए ओवर खत्म हो गया। उसके बाद आगे सड़क टूटी हुई और फिर हम आपको दिखाते हैं आगे कितना ले जाते हैं। जैसे मैंने बताया मुझको पता नहीं है ये रोड कहाँ जा रही है और कैसे जा रही है, मगर फिर भी हम आपको थोड़ा दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ से जा सकते हैं। और 6 महीने में रोड बिल्कुल तैयार, तब मैं आपको ऊपर से बताऊँगा। काफ़ी नीचे से सबवेज वगैरह काफ़ी बने हुए, ये पता नहीं सबवे कहाँ जा रहा है, मगर मैं ज्यूम कर रहा हूँ एक गांव की कोई छोटी सी सड़क होगी जो कि नेशनल हाईवे ने काफ़ी सपोर्ट करी है और कहा कि यस वी शुड हैव इंटरनल छोटी छोटी सड़कें गांव वगैरह के लिए सड़कें होनी चाहिए, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है देख करके। यहाँ पर ये नीचे से पानी क्या जा रहा है समझ में नहीं आया, बट ये टेक्निकल चीज़ें मुझको अभी ये इतना इसमें आइडिया नहीं हो रहा है। बट ये देखिए दूसरा फ्लाईओवर बना हुआ है और ये भी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट तैयार है, जैसे अभी साइड रोड्स भी दिख रही हैं। और ये मेन चीज़ ये है जो ग्रीन फील्ड का जो एनवायरनमेंट है ये आपको ले जाएगा बिल्कुल हरी हरी जगहों में से, ग्रीन एरिया। अभी सामने से सूरज जो देवता जो है वो वेस्ट में सनसेट हो रहे हैं तो इतना ज़्यादा बढ़िया आपको क्लियरिटी नहीं दिख रही होगी, मगर फिर भी कोशिश करता हूँ जितना दिखा सकता हूँ आपको। पर काफ़ी बढ़िया इन्होंने नेशनल हाईवे ने साइड बाउंड्रीज वगैरह लगा दी हैं और मेरे ख्याल से ऑलरेडी चालू है यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो है। उसके बाद ऊपर ये वाला ब्रिज भी चालू हो चुका है और ये पता नहीं कौन सी रोड को क्रॉस करेगा, मगर अंदाज़ा ये है कि मुंडका के पास जाएगा, मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास जाएगा और वहाँ पर 3 रोडें जाएंगे, नीचे से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऊपर से मेट्रो जो ऑलरेडी चल रही है और उसके ऊपर से तीसरा वाला जाएगा ये UER का हाईवे। तो इंफ्रा वाइज काफ़ी कंपैरेटिवली जबरदस्त ये सारे काम के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर लोकल अच्छे साइड ट्रैक्स वगैरह लगे हुए हैं और ये आगे बनने के लिए तैयार है। मीनवाइल आयुष कुछ खेल करता होगा, पानी का खेल, ब्रिज बनता हुआ गांव के अंदर से रास्ता जाता हुआ। काफ़ी बड़े इन्होंने अंडरपासेस वगैरह दिए हैं जैसे आपको दिख रहे होंगे, और ये आयुष की डिमांड पर थोड़ा सा कीचड़ चले जाते हुए। यहाँ पर खत्म हो जा रहा है, आगे कौन सी बिल्डिंग है इसमें नहीं आ रहा, उधर रास्ता है या नहीं है वो देखते हैं पहले। ऊपर है, चलो ये रिक्वेस्ट के ऊपर आया है कि ऊपर का भी दिखा दो, तो ऊपर का भी हम कोशिश करते हैं, मगर वो कैसे रुकेगा सवाल ये है। जेसीबी वाला सामान लेते हुए आ रहा है, एक जेसीबी यहाँ लगी हुई है, एक जेसीबी ऊपर काम चल रहा है, तो हम देखते हैं एक मिनट, और नहीं वो वापस आ रहा है तो हम उसको साइड दे देते हैं, हम उसको साइड दे देते हैं और नहीं दे पाएंगे उसको, तो मैं बैग ही ले रहा हूँ गाड़ी सर।
मेरे ख्याल से चार और चार आठ लेन ऊपर और तीन लेन नीचे, और उसके बाद ये पता नहीं कौन सी जगह आ गई है, मगर ये सामने कुछ बिल्डिंग दिख रही है तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। मेरे ख्याल से द्वारका को कुछ नहीं, द्वारका भी नहीं आया होगा, बट आगे रास्ता नहीं है, तो आज मैं आपको सिर्फ यहीं तक ही दिखा पाऊँगा। और उसके बाद फिर हम मुंडका मेट्रो स्टेशन आएंगे, और यहाँ पर भी इनका प्लांट वगैरह हाईवे वगैरह चल रहा है, और यहाँ से गाड़ी जा रही है एक आगे, है ना, मेरे घर से रास्ता है तो हम थोड़ा सा आगे से उस तक ले लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि मुंडका मेट्रो स्टेशन पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे आज। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, शाम तक तो वो गाड़ी जा रही है। वेरी गुड, और यहाँ पर पूरा कार्य चलता हुआ, काफ़ी बजट वगैरह लगे हुए कलर्स वगैरह लगे हुए, और उसके बाद यहाँ से हम सीधा सीधा लेंगे। अच्छा, ये रास्ता है, ये नॉर्मल रास्ता आ गया, मतलब गांव का रास्ता हो गया, और यहाँ पर इनका पूरा प्लांट लगा हुआ है, इसमें पूरा काम वगैरह चल रहा है, यहाँ पर ये पिलर्स वगैरह वो सब चीज़ें बनाते हैं। यहाँ से गाँव की पुरानी रोड आ गई, वालों ने काफ़ी चिल्ला चिल्ला के बोला कि यहाँ पर आगे रास्ता नहीं है, अगर जैसा कि आपको पता है आपको दिखाने के लिए कहाँ कहाँ से नहीं जाते हैं। तो ये देखिए फिर से गांव का रास्ता आ गया, और उसके बाद सामने एक छोटी सी सड़क दिख रही है, और ये पूरा मेट्रो स्टेशन है मुंडका सामने। रास्ता थोड़ा भटक से गए हैं, मगर यहाँ पर अभी भी ब्रिजेस वगैरह बनते हुए, ब्रिज के नीचे से हम आते हुए, और यहाँ पर एक देखिए पिलर्स बन रहे हैं ब्रिज के लिए, और सामने जैसे कि मैंने बताया ये मुंडका स्टेशन, तो अभी हमें यहाँ पर नीचे से घूमते हुए जाएंगे और देखते हैं कहाँ ले जाता है हमें रास्ता। बट ओवरऑल ब्रिजेस वगैरह बनते हुए कंक्रीट पंप करते हैं, ये स्विंग कंपनी का, और ये पूरा